नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ एमडीएन में। दोस्तों बात करने वाले हैं TTML स्टॉक के बारे में। सो गाइस, फिलहाल के टाइम यहाँ पे देखा जाए तो आज शेयर में जो है 5 पैसे की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। दोस्तों मार्केट में आज अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली, पर वास्तव में दोस्तों मार्केट क्लोजिंग के टाइम वापस गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। किस वजह से गिरावट देखने को मिली है और आगे चलकर किस प्रकार का प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में आप लोगों का बनने वाला है वो भी आप लोग को बताने वाला हूँ दोस्तों। और चार्ट का जो एनालिसिस है वो एक बार फिर से करने वाले, काफ़ी ज़्यादा आप लोग के कमेंट देखने को मिल रही है और क्या इंपॉर्टेंट जानकारी रहने वाली, तो दोस्तों आने तक जरूर से देखना। फिलहाल के टाइम दोस्तों शेयर की आज की ओपनिंग की अगर बात करना चाहूँ सबसे पहले तो 61.65 रुपये के साथ दोस्तों आज की जो ओपनिंग थी वो यहाँ पे देखने को मिली। आज के इंटरडे के बीच के अगर उछाल अगर हाईएस्ट तो देखने को मिला है दोस्तों वो 62.65 रुपये तक, सॉरी 35 पैसे तक का जो उछाल है वो यहाँ पे देखने को मिला। साथ ही साथ अगर बड़ी गिरावट की अगर बात करना चाहूँ तो 60.95 रुपये तक शेयर में आज के इंटरडे के बीच बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा। पर यहाँ पे देखा जाए तो उछाल जो थी अच्छी खासी देखने को मिली, अच्छी खासी जो है लाखों की जो क्वांटिटी थी वो बाइंग पर यहाँ पे देखने को मिली। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे देखा जाए शेयर में जो पिछले 5 जो ट्रेड रहने वाली है उसमें दोस्तों 1 रुपये की जो गिरावट अभी टाइम नजर आने वाली है, वो जो नेगेटिव जो रिटर्न्स में जो नेगेटिविटी है वो 1.60% की जो गिरावट है उसमें भी दोस्तों अभी टाइम देखने को मिल रही है। तो उसी प्रकार अभी तो एक महीने का अगर देखें तो उसमें जो प्रॉफिट है वो दोस्तों वापस से रिकवर होता हुआ नजर आता है। तो दोस्तों इस जो एनालिसिस को देखते हुए यही लग रहा है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो शॉर्ट टर्म का बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। कि दोस्तों शॉर्ट टर्म का अगर प्रॉफिट अगर इस वजह से देखा जा सकता है कि कंपनी में उछाल जो था दोस्तों 67.45 रुपये तक देखने को मिला। उसी बीच अगर यहाँ पे देखा जाए पिछले टाइम दोस्तों शेयर की जो प्राइस थी वो अच्छी खासी 68 रुपये तक भी यहाँ पे देखने को मिली। अब उसी प्रकार अगर 6 महीने का जो नेगेटिव जो गिरावट है वो यहाँ पे देखा जाए तो वो दोस्तों 39 रुपये तक गिरावट यहाँ पे नजर आती है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे जो रिटर्न्स में जो नेगेटिविटी है वो भी आप लोग को 38.78% आप लोगों को नजर आती है। अब उसी बीच अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी दोस्तों जो मार्केट कैप है उसमें लगातार कंटिन्यूसली तेजी यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। अच्छा खासा जो सुधार है वो भी एक टाइम नजर आ रहा है। तो दोस्तों सुधार अगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अगर मार्केट कैप यहाँ पे बढ़ रहा है तो दोस्तों जाहिर सी बात है आंतरिक जो सेगमेंट है जो फंडामेंटल आंतरिक जो फंडामेंटल उसमें लगातार जो तेजी है वो यहाँ पे नजर आ रही है। अगर आंतरिक फंडामेंटल में दोस्तों तेजी अगर मिलती है, बाहरी जो फंडामेंटल अगर उसमें नेगेटिविटी देखने को मिलती है तो दोस्तों घबराने वाली कोई फंडामेंटल नहीं। कि दोस्तों आंतरिक जो फंडामेंटल वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है, वही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन सकता है। अगर यहाँ पे दोस्तों अगर किसी पेड़ की जो जड़ें अगर यहाँ पे दोस्तों कमजोर अगर होगी तो पेड़ अपने आप गिर जाएगा। पर अगर जो आंतरिक फंडामेंटल अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का बड़ा तेजी के साथ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और अगर यहाँ पे कंपनी की जड़ें जो है दोस्तों अगर इंपॉर्टेंट होगी, अगर जड़ें मजबूत होगी तो कंपनी दोस्तों चाहे कितनी गिर क्यों ना जाए कंपनी वापस से दोस्तों रिकवर हो जाएगी। तो वही यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो हमें कंपनी पे लागू होता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी जल्दी दोस्तों वापस से रिकवर यहाँ पे होती हुई नजर आएगी। कंपनी दोस्तों Q1 तक तो नहीं हो पाएगी पर Q2 तक कंपनी टोटल कर्ज मुक्त हो जाएगी। कंपनी का जो फंडामेंटल है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है और आज बड़ी डिलीवरी वापस से नजर आई है। फिलहाल दोस्तों बेसिक फंडामेंटल की और बेसिक जानकारी की ओर आप लोगों को लेकर चलता हूँ। उससे पहले बता दूँ चैनल पर फर्स्ट बार डिजिट के तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर से सेलेक्ट कर लेना। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आज के कारोबार की मैं बात करना चाहूँ। जो कारोबार जो देखने को मिला है दोस्तों 11,68,583 शेयरों का देखने को मिलने वाला है। उसी बीच अगर यहाँ पे सेलिंग और बाइंग की बात की जाए तो जो बाइंग देखने को मिली है उसमें जो देखने को मिली है दोस्तों 2,21,458 शेयरों की। उसी विपरीत अगर यहाँ पे सेलिंग की बात करना चाहूँ तो 6,30,656 शेयर जो है सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली है। तो फंडामेंटल में जो उतार चढ़ाव थे वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। पर उसी बीच जो मार्केट के आप लोग को देखने को मिलने वाला है वो 12,325,00,000 आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। उसी बीच अगर यहाँ पे इंपैक्ट कोस्ट में दोस्तों अच्छी खासी तेजी के साथ सुधार यहाँ पे नजर आ रहा है। कंटिन्यूसली दोस्तों जो अपर जो प्राइस जो बैंड जो देखने को मिल रहा है 159.52 रुपये हाईस्ट वीक में प्राइस आप लोगों को देखने को नजर आएगी और जो लो वीक की जो प्राइस रहने वाली है वो 59.65 रुपये तक आप लोग को देखने को मिलने वाली है। अपर प्राइस बैंड की बात करूँ अपर बैंड जो रहने वाला है वो दोस्तों 67.55 रुपये का रहने वाला है। और उसी बीच अगर यहाँ पे आंतरिक जो फंडामेंटल था उसमें रिकवरी कंटिन्यूसली बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो जाहिर सी दोस्तों तेजी लाजमी देखने को मिलने वाली है। और उसी बीच अगर डिलीवरी की बात करना चाहूँ तो 66.82% की जो बड़ी डिलीवरी वापस से शेयर होल्डर्स ने उठाई है। और क्वांटिटी का जो ट्रेड रहने वाला है वो 9,86,566 का देखने को मिलने वाला है। वापस दोस्तों इंडियन मार्केट में गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है तो कुछ असर इस पर भी देखने को मिलने वाला है। अब चार्ट एनालिसिस की ओर तो दोस्तों एक बार फिर से अगर यहाँ पे जो शॉर्ट का जो संकेत यहाँ पे निकल के आ रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि दोस्तों शेयर होल्डर्स ने अगर लगातार दोस्तों अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे की थी पर आज देखा जाए तो मार्केट में सेलिंग की जो कोशिश थी वापस से यहाँ पे करने की कोशिश की ऑपरेटर्स ने दोस्तों एन वक्त पर दोस्तों सेलिंग की यहाँ पे कोशिश की पर सेलिंग नहीं हो पाई। मार्केट क्लोज एन वक्त होने पर वजह से दोस्तों बिल्कुल भी सेलिंग यहाँ पे ज़्यादा नहीं हो पाई। तो इस वजह से मार्केट में बड़ी गिरावट जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिली। पर जो संकेत यहाँ पे जो देखने को मिला दोस्तों अपर साइड देखने को मिला अपर की तरफ जो देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिला कि वापस शेयर में जो रिकवरी है वापस से लाजमी देखने को मिल
मिलने वाली है। फिलहाल आप लोगों को दोस्तों होल्ड रखने की सबसे बड़ी आवश्यकता यहाँ पे रहने वाली है, और मेरी रिकमेंडेशन और एनालिसिस भी दोस्तों यही कहती है कि आप लोग को सबसे ज़्यादा बिग टाइम जो है होल्ड रखने की आवश्यकता रहने वाली है। शेयर में जो रिकवरी है वो कंटिन्यूसली लौटती हुई आप लोग को देखने को मिल जाएगी। फिलहाल आपका दोस्तों जो भी बेसिक फंडामेंटल जो भी नजरिया हो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। आई होप आप लोग को जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वो जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना, और आपकी नज़र में कोई पेन स्टॉक हो तो जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।